अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है आंटी, ये सब पल्लवी का एक नया ड्रामा है। वो आपको डरा रही है ताकि आपके मुंह से सच निकल जाए कि शिवा को मैंने मारा है। का? सर आपसे कोई मिलने आया हुआ है, यहाँ हॉल में बैठाया हमने। का? यहाँ क्यों चलाया? मना किया था हमने। बिठाओ, से आ रहे हम। नहीं सुना श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी ने, नहीं सुना। अगर सुन लेते तो हमने तो कहानी खत्म ही थी। लेकिन ये हम दोनों के लिए एक सीख है आंटी जी, कि हम दोनों को अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए और अकेले में भी गलती से भी ये बात अपने मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, वरना हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है बेटिया, कोशिश करेंगे। तुम जल्दी से तैयार तो हो जाओ, तैयार होके नीचे आ जाओ, रस्म शुरू होंगे ना। हाँ चल। तैयार तो मैं हो ही जाऊंगी आंटी जी, और ऐसे तैयार होंगी कि जब लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इतनी सुंदर दुल्हन तो हमने आज तक देखी ही नहीं है। हाय, दिखाओ जरा। वाह, हमारी होने वाली देवरानी कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे तुम्हें, एक नजर का टीका तो बनता है कि नहीं? थैंक यू भाभी, अभी लेते। बस अब तुम्हें टीका लगा दे रहे, किसी की नजर ना लगी, इतनी सुंदर जो लग रही हो। लाओ। अच्छी। सॉरी पवित्रा जी, वो अचानक से हमको ठीक आ गया ना, हम क्या करते। अब आप बाथरूम में जाके धुल लीजिए ना, ठीक हो जाएगा। पूरा कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, एक भी नंबर नहीं है इसमें। आप क्या करें? देखो साफ हो गया है कि नहीं। अब तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। हाँ, और काला टीका लगाना बिल्कुल मत भूलना। हमें जरा नीचे काम है, हम चलते हैं। Ah.
एकदम हीरो लग रहे हैं आप। हम कैसे लग रहे हैं? क्या सच में अर्नब जी हमारा हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामने जा रहे हैं? ठीक वैसे जैसे तुमने थामा था। बटन निकल गया। फर्क नहीं पड़ता, मैं आजाद हो गया इतना काफी है। आज तक तुम ही घर की मेहमान थी, लेकिन ये रोके की रस्म के बाद तुम ही घर का हिस्सा बनोगी। थैंक यू आंटी जी, जो आप मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाने जा रही हैं। हाँ ठीक है, हमने भी स्वीकार कर लिया वो तुम्हारा वो थंकू, लेकिन आंटी जी नहीं ना बुलाओ, मम्मी जी बुलाओ अच्छा लगेगा। जी आंटी। हाँ मम्मी जी। पल्लवी इतनी शांत कैसे नजर आ रही है? कुछ तो पक्का चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन क्या? किस चीज का इंतजार कर रही हैं मम्मी? टीका लगाइए। आय हाय दूल्हे राजा को देखो तो, हाँ पहले शादी के लिए तैयार नहीं था, हाँ अब इंतजार नहीं हो रहा है। मम्मी मम्मी रुको रुको, एक मिनट रुको, तेरी कहाँ जल्दी है? टीका मुफ्त में थोड़ी ना लगेगा, नेक देना पड़ेगा पहले। मम्मी कितना? 5,000। क्या झिलमिल दी थी, मेरी खुशी को इतना छोटा आंक रही हैं आप। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और आप इतना छोटा सा नेक मांग रहे हैं। एक काम कीजिए, सारे रख लीजिए। सारे? आय हाय इतना बड़ा मौका है, खुशी का दिन है, तो नेक छोटा कैसे हो सकता है? खुश रहे। हेलो, मैं जानता हूँ तुम क्या करने जा रही हो। प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है पवित्रा तुमने, लेकिन हेलो रॉन्ग नंबर। रॉन्ग तो तुम हो पवित्रा, जो सोचती हो कि पल्लवी ये अचानक से होने वाली दुल्हनियों को क्या हो गया? मम्मी तो बहुत चहक पहक रही थी, देखो ना एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया इसका। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।